best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं प्रतीक वराडे और आज मैं लाया हूं आपके लिए एम्पियर के मैग्नस। सो बहुत ही स्पेशल गाड़ी रहने वाली है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप कुछ तो भी इलेक्ट्रिक का स्पेशल लाइए, जितने भी स्कूटर्स है, बाइक्स है, ये सब चीज़ें लाइए। सो अगर आप बहुत ही इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, सो मैं एक कम्प्लीटली एक प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ एंड उसमें एक एक करके ऐड करने वाला हूँ। अभी मैंने फिलहाल तो नेक्सॉन एज वेल एज टाटा टिगोर ईवी का वीडियो डाल दिया है। सो अभी मैं आज डालूंगा एम्पियर एज वेल एज आने वाले टाइम में मैं ओला का भी इसमें वीडियो ऐड करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं अभिजीत घाटोल सर का वेलकम करना चाहता हूँ। सर प्लीज़ वेलकम टू अवर चैनल, जो कि गाड़ी के ओनर है। सर हम आपसे एक दो सवाल करने वाले कि ये गाड़ी आपको परचेस करके कितने दिन हो गए, इसका माइलेज क्या है, इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी है, राइट? वैसे तो मुझे गाड़ी लेके नियर अबाउट 15 डेज हुए हैं। ओके। और जो भी अभी मैंने मार्केट में सर्वे किया था, हाँ। कोई भी सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले देख ही लेता है मार्केट में, राइट, राइट। जो है अभी ईवी सेगमेंट में बहुत से नेगेटिव सेंटिमेंटल्स लोगों के बीच में, जैसे कि आग लगना वगैरह, ये हो, राइट राइट। तो जो ऐसे एम्पियर की मैग्नस है, हाँ। मैंने इसको हर जगह पे कंपेयर किया है, ओला के साथ में ओकाया की है और बहुत सारी जो ईवी सेगमेंट में अवेलेबल है आज की तारीख, तो वो कंप्लीट आपने कंपेयर की। हाँ, तो उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे यही परचेस करना है। ओके। क्योंकि मेरी जो डिमांड से रिक्वायरमेंट से वो मुझे फुलफिल करती है। ओके। इसीलिए मैंने इसको चूज किया। ओके। मुझे लेके 15 दिन हुए हैं और बहुत सारे इसमें एडवांटेज है। आपने सर इसके किलोमीटर कितने कवर कर लिए? मैंने अब तक 410-420 हुए शायद। ओके। सो ये आपने लगभग कितने चार्जिंग करनी पड़ी आपको, मतलब ये किलोमीटर्स कंप्लीट करने के लिए अब तक? वैसे तो ये एक चार्ज में कंपनी दावा करती है 121 किलोमीटर का। ओके। लेकिन वो तो प्रैक्टिकल में पॉसिबल होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। ओके। इसमें दो मोड दिए है, एक लो है और एक हाई है। ओके। तो लो में अगर आप चला जाए सिटी में, खास करके 30 से 35 के बीच में KMPL, तो आपको आराम से 100 किलोमीटर दे दीजिए एक चार्ज में। ओके। एक चार्ज करने के लिए प्रति आपको 4 से 5 घंटे का समय लगता है। ओके। और साथ ही में अगर आप हाई मोड पे चलाते हैं, कि बेसिकली कोई भी अगर बाहर जाता है तो हाई स्पीड पे चलेगा, राइट, नॉर्मली, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 50 से 55 किलोमीटर पर आवर है। ओके। और मेरे हिसाब से स्कूटर के लिए सफिशियंट है। सफिशियंट है, राइट। और सिटी में मतलब बोल सकते हैं कि पूरी काम की बात है एक प्रॉपर, राइट। और हाई स्पीड में मैंने चला, अभी एक्चुअली मैं तो हाई स्पीड में चला था मैक्सिमम टाइम पे, तो मैं अब तक तो इससे 80 किलोमीटर कवर कर चुका, फिर भी इसमें एक दंडी बची ही रही। ओके। और सर इसका आपको प्राइस क्या पड़ा गाड़ी का? एक्चुअली एक पूरा ऑन राइड प्राइस का 84 आता है, अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी में लेते हैं तो उसका 3000 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 86 तक आपको गिर जाए। ओके। सो 86,000 में जब हम एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, सो इसमें बैटरी इंक्लूडेड रहती है कि गाड़ी की मोटर इंक्लूडेड रहती है एक्सटेंडेड वारंटी? सभी आता है उसमें, चार्जर आता है, बैटरी आता है। ओके। और खास करके जो GMLB इसकी मोटर है, हाँ, तो भी इसमें कवर हो, और 5 साल का तो वैसे इंश्योरेंस रहते हैं। ओके। और इसमें कुछ स्पेशल बात है, जैसे मैंने अभी देखा कि रिमोट है इसमें, तो उसका कुछ आप बताना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि आप अभी अपने को ये विदाउट की या फिर कीलेस भी स्टार्ट करना है तो आप, हाँ, कर सकते हैं। इसमें लॉक की बटन है, ये लॉक होता है, ये अनलॉक होता है। Okay. अगर समझो कहीं पार्किंग स्पेस में और आपको आपको गाड़ी दिख नहीं रही है तो आपको ढूंढना, तो आप गाड़ी भी करवा सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं। Okay. आपको लोकेशन पता चल जाती है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। Okay. और ये है सेल्फ, यानी विदाउट की अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसको आप टेस्ट कीजिए, गाड़ी ऑन हो जाएगी, ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्लीट, जब हम अभी वॉक अराउंड देखने वाले गाड़ी का, सो ये सभी चीज़ें मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ। बाद में और कुछ आपके अगर सवाल होंगे सो कमेंट्स में बताइए, मैं आपके सभी सवाल क्लियर करने वाला हूँ। सर आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं? जैसे कि अभी मार्केट में ओला का एक बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि ओला एक सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली ईवी स्कूटर है, सो तब आपने ओला इसके साथ में कुछ कंपेयर की थी या फिर इसके कंपेरिजन में थी? अभी जैसा आपको पता ही है कि रिसेंट सिनेरियो क्या है, तो ओला, क्योंकि ओला तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल के ऊपर हुआ उसमें लॉन्च होते मार्केट में। और अगर आप ये एम्पियर देखा जाए तो ये ग्रूस की है, ये पिछले इसका स्टार्टिंग हुआ था मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल बाइक्स का 2007 में। ओके। अभी आप अगर देखते हैं तो ये मार्केट में इसको 13 साल हो गया,
और इसका अगर आप बैक रिकॉर्ड चेक करते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी प्रकार का आपको ये दिखेगा ही नहीं कि जैसे जो गाड़ी में आग लगी या फिर ब्लास्ट हो रही है हो रही या फिर कुछ अलग मोटर का प्रॉब्लम आ रहा, बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा, तो इसकी सभी बातें मुझे अच्छी लगी। ओके सो फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्ट रिव्यू अबाउट द एम्पियर मैग्नस। सो आपको वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट्स में बताइए। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड देखने वाले एज वेल एज गाड़ी के फीचर्स एक्सप्लोर करने वाले। फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको इसकी कंप्लीट रनिंग कॉस्ट बताना चाहता हूँ। सो देखिए, अभी मैं मेरे सिटी के अकॉर्डिंग आपको रेट बताना चाहता हूँ। सपोज़ मैं अभी कम भी कंसिडर नहीं करता ना, एकदम ज़्यादा भी नहीं, सपोज़ मैं 300 से 500 यूनिट के बीच में अगर यूनिट यूज़ करता हूँ, सो मुझे चार्ज पड़ने वाला है 10.36। एंड इसी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं अभी आपको आगे कम्प्लीटली समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको कम्प्लीटली कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ आईसी इंजन का, मतलब कि स्कूटर बोल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए 125 रुपीज़ पर लीटर मेरी सिटी में पेट्रोल का रेट है। एंड अगर मैं कंसिडर करूँ 45 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स हमारी स्कूटर एवरेज देती है। सो ये रनिंग कॉस्ट आती है पर किलोमीटर 2.77। वेयर एज अगर हम मैग्नस को देखें, सो मैग्नस का देखिए 1.8 में मैक्स टू मैक्स 1.8 यूनिट में ये फुल्ली चार्ज हो जाती है। और रेट अगर हम कंसिडर करें 10.36 तो, एंड जो कंपनी ने रेंज बताई है हमें वो है 121 किलोमीटर मैक्स रेंज, लेकिन हमने सिर्फ 100 ही पकड़ी। तो सो ये कैलकुलेशन देखिए पर किलोमीटर आती है सिर्फ 0.186। अगर देखिए अभी मैं इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन अभी आपको मंथली समझाने वाला हूँ। अगर कंसीडर कीजिए पर डे आप चलाते हैं 40 किलोमीटर एक आईसी इंजन, सो 2.77 मल्टीप्लाइड बाई 40 वो आता है 110 रुपीज़। एंड वेयर एज अगर हम कंसिडर करें ईवी, सो 0.186 इंटू 40, सो ये कैलकुलेशन आता है 7.44। वही अगर हम मंथली कैलकुलेट करें 30 दिन के हिसाब से, सो आईसी इंजन का आता है 3300, वेयर एज ईवी का आता है आपको सिर्फ 223 रुपये। ठीक है, अगर डिफरेंस हम कैलकुलेट करें सो ये आता है 3000 से ज़्यादा का, मतलब देखिए पर मंथ हम 3000 से ज़्यादा सेव कर सकते हैं एक ईवी लेने के बाद में। सो फ्रेंड्स, अभी इतने सारे कैलकुलेशन के बाद में हम देखने वाले हैं गाड़ी का कम्प्लीटली वॉक अराउंड। सो सबसे पहले देखिए मुझे प्लेजर जैसे ही लग रही है कम्प्लीट। ऊपर मिलता है आपको LED हेडलैम्प, यहाँ पे साइड में इंडिकेटर मिलता है, एंड उसी के नीचे आपको मिलता है कम्प्लीटली DRL। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि LEDs का फ़ायदा क्या है, LED बहुत ही कम एनर्जी कंजप्शन करते हैं। अभी देखिए मैं आपको इसका हेडलैम्प ऑन करके बताने वाला हूँ कितना अच्छा दिखता है। सो देखिए हमने इसका हेडलैम्प ऑन कर दिया, और सेम हेडलैम्प है फॉर लो बीम एज वेल एज़ फॉर हाई बीम। एंड वहीं पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आए सो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करके लिखा हुआ मिल जाएगा, एज ये हमारी स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और जो इसका सस्पेंशन है ये है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी तो ये है इसकी कॉम्बी ब्रेक। सो देखिए जैसे हमारे एक्टिवा में बोलो या फिर प्लेजर में बोलो जैसे कॉम्बी ब्रेक आता है, सेम टू सेम यहाँ पे भी मिलने वाला है। अभी देखिए जैसे मैं रियर साइड का ब्रेक भी दबाऊँ सो फ्रंट साइड का भी ब्रेक अप्लाई होने वाला है। इससे क्या होता है गाड़ी की कंट्रोलिंग काफ़ी बेहतर आती है। सो अभी देखिए यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले कर देते हैं गाड़ी को बंद। ठीक है, यहाँ पे देखिए बटन्स मिल जाती है फॉर लो बीम हाई बीम, यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है। सो ये देखिए जैसे मैंने अभी बताया हॉर्न के बटन, उसी के नीचे इंडिकेटर, एंड राइट साइड में हमारी हेडलैम्प की बटन, एंड नीचे हमारा सेल्फ स्टार्ट की बटन। सो अभी देखिए मैं ऑन करता हूँ इसे, एंड अभी देखिए इसको यहाँ पे मिलता है चालू करने के लिए कैसे रहता है। यहाँ पे देखिए जब तक आप तक ये ग्रीन लाइट चालू नहीं हो जाता तब तक आपकी गाड़ी रेडी नहीं है, मतलब चलने के लिए। सो अभी देखिए एक्सीलेटर देख के बताने वाला हूँ। ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुनिए, काफ़ी साइलेंट है। एंड यहाँ पे भी हाई लो मिलता है, अभी हमने लो पे ये करने वाले हैं। सो देखिए लो पे फ्रेंड्स ये मोटर इतनी साइलेंट है कि आप यकीन भी नहीं करोगे, बहुत ही साइलेंट है। एंड अभी देखिए इसकी टॉप स्पीड कहाँ तक जाती है लो पे, सो ये लगभग आती है 32 पर किलोमीटर। एंड अभी हम हाई पे इसको करके देखने वाले हैं सो हाई पे कहाँ तक जाती है टॉप स्पीड। सो देखिए हाई पे कर दी है, एंड आप इसका आवाज़ भी सुनिए।
सो ये जा रही है लगभग 58 तक, लेकिन क्या हम इस पे सीट बिठाने के बाद में ही इतनी जाती है? सो देखिए अभी वो भी हम चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स अभी देखिए, मैं अभी इस पे सिर्फ सिंगल सीट ट्रैवल करने वाला हूँ एंड वो भी लो पे। सो सबसे पहले इसको लो पे कर देते हैं। एंड अभी देखिए यहाँ पे जब तक हमारा ग्रीन लाइट नहीं आता तब तक हमारी गाड़ी चलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सेल्फ स्टार्ट जैसे हमारे गाड़ी में जैसे आवाज़ आती वैसे नहीं आती है। सो लाइट ही देखना पड़ता है। सो देखिए अभी हम रेडी है निकलने के लिए। सो अभी देखिए मैं कम्प्लीटली लो में फुल एक्सेलेटर देने वाला हूँ एंड हमारी गाड़ी कौन कहाँ तक जाती है, इसकी टॉप स्पीड क्या है लो पे, सो ये अभी हम देखने वाले हैं। सो मैं चलाता हूँ अभी गाड़ी। तो देखिए मैक्स टू मैक्स ये 29 तक ही गई। एंड अभी मैं इसको स्विच करता हूँ हाई पे। अभी हम देखते हैं हाई पे ये कहाँ तक जाने वाली है। सो यहाँ पे हाई पे देखिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ते ही जा रही है, लेकिन थोड़ा सा डबल से करना चाहता हूँ क्योंकि रोड भी खत्म हो गया था फ्रेंड्स। डबल से करने वाले हैं हाई पे। सो अभी देखिए हाई पे देखिए स्पीड बढ़ती जा रही है। 45 तक जा रहा है। अब इसमें 45 में फ्रेंड्स क्रॉस कर रहे हैं और इसकी मैक्स स्पीड हमारी निकल कर आई है 51 किलोमीटर पर आवर, वो भी हाई पे। सो देखिए काफ़ी अच्छी स्पीड है, जो कंपनी ने बोला है नियर अबाउट उतनी ही हमें दी है। सो फ्रेंड्स अभी डबल से हम देखने वाले गाड़ी के फीचर्स। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है एक USB चार्जिंग सॉकेट जहाँ से आप आपका मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ी हमें स्टोरेज स्पेस भी दी हुई है कुछ सामान रखने के लिए, ठीक है। सो अभी देखिए इसकी मैं आपको की बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी की बहुत ही स्पेशल है। जैसे हमारे कार को रिमोट आता है वैसे ही यहाँ पे इसको भी रिमोट आता है। सो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे मिलता है लॉक अनलॉक, उसके बाद में इसको बीप भी करवा सकते हैं एंड स्टार्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो देखिए अभी मैं आपको करके बताने वाला हूँ बीप, देखिए। एंड अभी मैं आपको इसको स्टार्ट भी करके बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले उसके लिए हमें गाड़ी को लॉक करना पड़ेगा, ये भी लॉक। एंड अभी इसको करते हैं चालू। सो दो बार प्रेस करना पड़ता है, ये देखिए गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट, ठीक है। सो अभी इसको कर देते हैं बंद, ये हो गई हमारी गाड़ी बंद। सो अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा हमें लेगरूम भी मिलता है, बीच में बहुत सारी स्पेस है। आफ्टर दैट पीछे देखिए यहाँ पे हमें रियर फुटरेस्ट भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए ये रही हमारी बैटरी गाड़ी की, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि इसकी इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ पे, क्योंकि मोटर तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। ये रहा ब्रेक, सो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो उससे पहले देखिए ये रहा गाड़ी का टेल लैंप, मतलब कि ब्रेक लैंप पीछे वाला। एंड ये रहे हमारे इंडिकेटर एंड ये रहा सिंपल सा रिफ्लेक्टर। सो अभी देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो गाड़ी की मोटर है कहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो ऊपर वाली बैटरी है एंड नीचे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, ये साइड में भी नहीं वो साइड में भी। सो मोटर कहाँ पे? सो यहाँ पे देखिए हमारी वायरिंग आती है यहाँ तक एंड मोटर जो है वो हमारी व्हील के अंदर है, ठीक है। जो रोटरी पार्ट है हमारा, मतलब कि हमारी जो मोटर है, ये कम्प्लीटली हमारी जो व्हील है उसके अंदर ही हमारी इलेक्ट्रिक मोटर फिट की गई है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। अभी हम देखने वाले हैं गाड़ी का बूट। सो इसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो सबसे पहले इस बॉक्स को निकालते हैं बाहर एंड इसके नीचे देखिए, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं इसको हम ओपन भी कर सकते हैं एंड इसके नीचे है हमारी बैटरी गाड़ी की। सो यहाँ पे देखिए अगर इनकेस कोई वायरिंग ढीली हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है, सो ये कंपार्टमेंट भी आप कम्प्लीटली ओपन कर सकते हैं यहाँ से। नाउ लेट्स क्लोज दिस। एंड अभी देखिए बहुत ही मतलब अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे।
एंड सबसे अच्छी बात ये देखिए लाइट, मतलब कि रात की टेंशन ख़त्म। एंड यहाँ पे देखिए अभी इसका स्विच है, जैसे हम बूट बंद करेंगे वैसे। एंड ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है हमारा एक स्विच, जिसके हेल्प से हम गाड़ी की जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर वो कम्प्लीटली बंद भी कर सकते हैं, इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो उस काम में आता है। सो फ्रेंड्स अभी देखिए अभिलाष हमें बताने वाले हैं कि गाड़ी को कैसे चार्ज करना पड़ता है, उसका चार्जर कैसा है। सो अभिलाष थोड़ा सा आप बताएंगे हमें कि कैसे चार्ज करना पड़ता है। ये जो इस बाइक के साथ में चार्जर आता है, ये चार्जर मिलता है हमें, सबसे पहले हमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसको कनेक्ट करना है। ओके। इसे कभी भी डायरेक्ट आप थ्री फेज में ये थ्री प्लग नहीं लगाना है, सबसे पहले हमें इसका चार्जर लगाना है। ओके। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया है, यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है और उसके बाद में ही आपको ये कनेक्ट करना है। ओके। एंड इसको कोई पावर सॉकेट चाहिए या फिर नॉर्मल प्लग? 5 एम्पीयर से 16 एम्पीयर तक का कोई भी प्लग चलेगा। ओके। और यहाँ पे दिया जाता है आपको इंडिकेटर्स, उसमें आप देख सकेंगे कि आपका कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ और कितना टाइम रिमेनिंग रहेगा। ओके। मैक्सिमम 0 to 100% के लिए आपको 5 आवर्स लगेगा, 4 से 5 आवर तक का टाइम लग सकता है। ओके। सो अभी जो आपने चार्जर बोला वो कहाँ पे आते हैं उसके लाइट्स? यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आपको मैं बता सकता था। ओके। सो फ्रेंड्स ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल एम्पियर मैग्नस। सो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और भी अगर आप इसके रिलेटेड कुछ और वीडियोस चाहते हैं सो हमें कमेंट्स में बताइए, सो हम इसका सेम टॉपिक पे हम एक दूसरा भी वीडियो बनाएंगे। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट अरेंज करके रखी है, सो वो आप ईवी के स्पेशली ईवी में जाके वो कम्प्लीटली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ ईवी के ही वीडियोज़ अपलोड किए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।